नमस्कार दोस्तों, शुरू में हम ये सीखेंगे कि आप बैंक ऑफ बड़ौदा का एम कनेक्ट प्लस ऐप के अंदर उसका एम पिन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको भी जानना है तो हमारे वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बन रहेगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में बड़े आसानी से और सिंपल भाषा में सब कुछ मैं आपको समझा दूंगा। दोस्तों, मैं उस प्रकाश चौबे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल चौबे टेक्निकल। दोस्तों, ये आज की जो कमाल की वीडियो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा का एप्लीकेशन है, इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम लॉगिन करते हैं, अब आपको अपना एम पिन चेंज करना है। एम पिन दोस्तों चेंज करने के लिए ऊपर देखिए, एक इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करते हैं, आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा चेंज एम पिन। दोस्तों, एम पिन वो होता है जिसको हम जब तक टाइप नहीं करते तब तक हम किसी को ट्रांजेक्शन यानी पैसे भेज नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो एम पिन आपका बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को बताना भी नहीं चाहिए। और आप यहाँ पर एम पिन कैसे बदल सकते हैं अपनी, ताकि किसी को मालूम चल गया हो आपकी पुरानी वाली एम पिन, तो अपना नया एम पिन बना लीजिए ताकि किसी को मालूम न चले। चलिए, आपको यहाँ पर अपना फिलहाल वाली जो एम पिन है उस एम पिन को पहले दर्ज कर लेते हैं। पहले वाली एम पिन को दर्ज करने के बाद में अब आपको अपनी नई एम पिन बनानी है। यहाँ पर अपनी नई वाली एम पिन दर्ज कर लीजिए जो आप बनाना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे ही मैंने एंटर न्यू एम पिन और प्लस वापस करंट न्यू एम पिन दर्ज किया, तो यहाँ देखिए एम पिन चेंज्ड सक्सेसफुली, यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जो एम पिन है बदल चुकी है। यहाँ पर देखिए, मैंने एम पिन चेंज करने का तरीका बताया। पहले आपको अपनी पहली वाली एम पिन दर्ज करनी है, फिर आपको अपनी नई एम पिन दर्ज करनी है, फिर वापस उसी नई एम पिन को एक बार वापस दर्ज करनी है कंफर्म के लिए। जैसे आप नई एम पिन दर्ज करेंगे कंफर्म वाला, तो अपने आप आपका एम पिन लिखा हुआ चेंज आ जाएगा नज़र, ठीक है। दोस्तों, यही तरीका है जिसके माध्यम से आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा का एम पिन जो होता है उसको बदल सकते हैं। दोस्तों, आपको जानकारी और वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनको इस बात की नॉलेज हो सके। और दोस्तों, मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड और भी वीडियो बना रखा है, उन वीडियो को भी देखकर आप आराम से इस एप्लीकेशन को अच्छे से हैंडल करना सीख सकते हैं। और दोस्तों, आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने सुझाव को रख सकते हैं, या फिर आप हमसे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी संपर्क कर सकते हैं, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत धन्यवाद, और नहीं किया है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ इस प्रकार की वीडियो लेकर आने वाला हूँ जो सीधा तौर पे आपके लिए हेल्पफुल साबित हो पाएंगी। दोस्तों, मिलते हैं वीडियो में एक अच्छी और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।